अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो? हमारे यहां जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं? जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे, और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा? आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है? और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक दमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। मुझे ये बताओ, अगर आप जेपी नायसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा, अभी उसके बारे में और परीक्षा कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही हो। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। राहुल गांधी का समापन होने जा रहा है, उसके अभी इनवाइट आया है तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अरे तुम्हें गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए कि इधर उधर की बातें कर रहे हो? कोई तो जाए बैठे कुर्सी में, क्या सरकारी पैसा ऐसे ही बहा दोगे? अरे बैठ ले भैया, बैठ ले, बैठ जा भाई। अब कोर्ट में हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, न्यायालय पे भरोसा है हमें।
अब इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को और मिलना होगा और जिलों में। मुझे जानकारी नहीं उनकी। अब वो अपना एक पत्रकार साथी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था अभी। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है? नहीं, अगर अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना? आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अरे शुभ दिन आने दो भाई, आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अरे आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। आप में से कुछ साथी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि अगली बार शुभ दिनों में ही काम करना, तो अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग जगह से पूछोगे तो अलग अलग तरीका बताते हैं। तो जिनसे हमने पूछा उन्होंने एक तारीख बताई है, उस दिन आपका पूरा संगठन तैयार मिलेगा, उस दिन से बनने लगेगा। मैंने सुना नहीं, मैं यूएस टॉप 10 सुन रहा हूं आजकल। गलती दोनों तरफ से थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी। क्या किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है, तो ये उनका जाति के आधार पर सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। ये हमारा पत्रकार साथी क्यों सवाल पूछ रहा है, जिस नेता का कोई नाम ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। अब जो भी हो, गाना के साथ साथ एक और बगल में नाम था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि क्या चाहती है सरकार। ये पिछड़ों को बांटना चाहती, जात के आधार पर काम करती है, इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे और जो आपने कहा संगठन वो भी तैयार मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दीपक कवि जी को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने प्रयास कर करके एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर तैयार किया है जिसमें बहुत सारी समाजवादी आंदोलन की जानकारी है, नेताजी की तस्वीरें हैं, नेताजी के बारे में गाना, पार्टी का गाना, उनके बारे में संघर्ष, और जितना कुछ इसमें साहित्य का लिखा गया है, समाजवादी आंदोलन के बारे में लिखा गया है, मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन जब आपने तय किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई।